हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास फर्स्ट सिल्वर जोन ओलंपियाड से इंग्लिश के सिलेबस एंड सैंपल पेपर लेकर आई हूँ। अगर आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में है या फिर सिल्वर जोन ओलंपियाड में आप जानना चाहते हैं कि इसके सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं, उसके बाद इसके सैंपल पेपर देखेंगे। इंग्लिश के सिलेबस को मोस्टली 5 सेक्शन में बांटा गया है। एलिमेंट्री नॉलेज, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल, वर्ड नॉलेज, रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन स्किल एंड मेरिटोरियस जोन। एलिमेंट्री स्किल के अंतर्गत चैप्टर्स हो जाते हैं आइडेंटिफिकेशन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, यूज ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 3 होते हैं, मार्क्स 3.5 होते हैं, सो टोटल मार्क्स 10.5। राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, नाउन, प्रनाउन एंड वर्ब, एलिमेंट्री, यूज ऑफ ए एंड एन, यूज ऑफ एट, ऑन एंड टू, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 7 होते हैं, मार्क्स 3.5 एंड टोटल नंबर्स ऑफ मार्क्स 24.5। वर्ड नॉलेज, वर्ड विद सेम एंड अपोजिट मीनिंग, स्पेलिंग टेस्ट, जंबल वर्ड, राइमिंग वर्ड। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 5 एंड टोटल नंबर 17.5। नेक्स्ट है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जंबल्ड सेंटेंस। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 5 हो जाते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ 22.5। एंड मेरिटोरियस जोन के अंतर्गत इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन होते हैं और इसके सिलेबस मोर देन जो है ऑलमोस्ट इंग्लिश ये जो सिलेबस है, अभी जो ऊपर हमने सिलेबस देखा उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ी हायर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं जो अदर ओलंपियाड में अचीवर सेक्शन के द्वारा जाने जाते हैं। ये मेरिटोरियस जोन के नाम से ये सेक्शन है। तो आपने सिलेबस देखा, ऑलमोस्ट क्लास फर्स्ट में आपका बच्चा किसी भी बोर्ड से हो, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से या फिर अदर स्टेट बोर्ड से, ऑलमोस्ट यही सिलेबस रहता है। सिलेबस इंग्लिश की बुक एंड ग्रामर पोर्शन ऑलमोस्ट यही रहते हैं। अगर इस सिलेबस को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस के पैटर्न को समझकर इसी सिलेबस की बच्चों को तैयारी करवाई जाए तो बच्चे आराम से सिल्वर जोन क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए इससे हम सैंपल पेपर इसके देख लेते हैं। ये इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड सिल्वर जोन के सैंपल पेपर। एक्चुअल क्वेश्चन पेपर कंटेंट 25 क्वेश्चन रहते हैं और ड्यूरेशन 40 मिनट्स का रहता है, लेकिन यहाँ पर हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे और नंबर्स ऑफ मार्क्स 25 रहते हैं और नंबर्स ऑफ मार्क्स क्वेश्चंस के 100 रहते हैं और टाइमिंग 40 मिनट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, होली रंगों का त्यौहार है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई हिंदू ड्यूरिंग फागुन पूर्णिमा। होली इस फेस्टिवल को मोस्टली हिंदू फागुन पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। इट कम्स इन फरवरी एंड और इन अर्ली मार्च, यह फरवरी के अंत में या मार्च की शुरुआत में आता है। होली फेस्टिवल हैज एन एंशियंट ओरिजिन, होली के त्यौहार की उत्पत्ति बहुत पुरानी है। एंड सेलिब्रेट द ट्रम्प्स ऑफ गुड ओवर बैड, और इसे बुरे पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। द कलरफुल फेस्टिवल ब्रिज द सोशल गैप, या कलरफुल त्यौहार सामाजिक दूरी को दूर करने में ब्रिज का भूमिका निभाती है। एंड रिन्यू स्वीट रिलेशनशिप, और इस त्यौहार से मधुर रिश्तों का नवीनीकरण होता है। ऑन दिस डे पीपल हग एंड विश ईच अदर हैप्पी होली, और इस दिन लोग एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे को हैप्पी होली कहकर विश करते हैं। अब ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन था, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, होली इज द फेस्टिवल ऑफ ए फ्रूट, बी फ्लावर, सी कलर एंड डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाता है होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेलिब्रेट होली, ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी क्रिश्चियन या डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिंदू, हिंदू सेलिब्रेट होली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग फिगर
Find the word that has two alphabet of vowel. इसमें हमें टू अल्फाबेट वॉवेल देखना है. पहला है ग्लास, जी एल ए डबल एस पी ई एन बी डबल ओ के एच टी ओ आर वाई स्टोरी. तो हम जानते हैं कि वॉवेल हमारा फाइव वॉवेल होता है, ए ई आई ओ ई. वॉवेल हमारा फाइव होता है, इसके अलावा जितने भी वर्ड होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं. ए, चलिए इसको मैं लिखकर आपको बताती हूँ, ए ई आई ओ और यू, ये पांच वॉवेल्स हैं. अब इसके अलावा अदर कॉन्सोनेंट हैं. यहाँ पे हमें ऐसे टू अल्फाबेट्स जिसमें दो वॉवेल हो, तो ए ई आई ओ यू यहाँ हमारा सी में है, बुक्स. बुक्स में डबल ओ जो है, टू वॉवेल्स आ रहे हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट डायरेक्शन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग सुटेबल प्रोनाउन. इसमें हमें प्रोनाउंस बताना है कि यहाँ पे कौन सा सुटेबल प्रोनाउन होगा. क्वेश्चन नंबर फोर, माई सिस्टर इज ए टीचर डैश टीचर इन द स्कूल. मेरी बहन एक शिक्षक है, तो टीचर इन द स्कूल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सी, सी टीचर्स इन अ स्कूल. क्योंकि माई सिस्टर यहाँ पर फीमेल हो रहा है, जिसके लिए हमारा सी वर्ड यूज होता है, शी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेस्टिक एनिमल. ए एलिफेंट, बी लॉयन, सी काउ एंड डी टाइगर. तो डोमेस्टिक एनिमल इज अ काउ. काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल. सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, डायरेक्शन गिव द सेम मीनिंग शाइनोमियम ऑफ द वर्ड रिटन द कैपिटल लेटर. इसमें हमें शाइनोमियम्स पता करना है, किसके शाइनोमियम्स कौन है. शाइनोमियम्स मतलब सेम अर्थ वाले शब्द जो है वर्ड, वो शाइनोमियम्स होते हैं. नंबर सिक्स, डिफिकल्ट. डिफिकल्ट मीन्स बहुत मुश्किल. सैड उदास, पुअर गरीब, गुड अच्छा. डी मैंने हार्ड मतलब बहुत कठिन, यानी डिफिकल्ट और हार्ड सेम आंसर हो रहे हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट डायरेक्शन, इन क्वेश्चन 10 अरेंज द जंबल वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ये जंबल वर्ड से एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमें बनाना है. ईट आई फूड हेल्दी. ए है आई ईट हेल्दी फूड, बी आई हेल्दी ईट फूड, सी ईट हेल्दी फूड आई एंड डी ऑल ऑफ दीज. तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए, I eat healthy food. Next question number 8. Write the name of vegetables so in the pictures below as per given hint. ये जो options दिए गए हैं, इमेज दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें इस इमेज को फाइंड करना है और इसकी स्पेलिंग सही बतानी है कि कौन सी स्पेलिंग होगी. तो चलिए इसको हम देख लेते हैं. ये हमारा इमेज है क्वाली फ्लावर का. तो क्वाली फ्लावर की स्पेलिंग हो जाती है ए सी ए यू एल आई एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर. क्वाली फ्लावर, कैलिपर, कारपेंटर, कार्डर. सो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, क्वाली फ्लावर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following option represent the figure in correct alphabetical order? इसे हमें correctly alphabetically order में arrange करना है. तो ये हमारा हो गया पाइन एप्पल, पी से शुरू हो रहा है. बी हो गया हमारा बनाना एंड पाइन एप्पल बनाना. ये हो गया हमारा मैंगो. ये हो गया ऑरेंज
ओ से ऑरेंज और ये हो गया मैंगो। तो अल्फाबेटिकली मीन्स जो हमारा ए बी सी डी जिस रूप में अरेंज होता है उसे हम अल्फाबेटिकली कहते हैं। तो जैसे ए बी सी डी हमारा सबसे वन नंबर पर आ रहा है, फिर हमारा होता है एम एन ओ एम, फिर आता है फिर ओ आता है फिर पी आता है। तो नंबर वन पे हो गया बी, फिर टू पे एम हो गया, थ्री पे ओ हो गया एंड फोर पे पी हो गया। तो पहले हमारा हो जाएगा बनाना, फिर मैंगो, फिर ऑरेंज और फिर पाइनएप्पल। सो ये करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी में, ये सीक्वेंस चल रहा है तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी बनाना मैंगो ऑरेंज एंड पाइनएप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन पिक्चर्स। ये एक चेयर है, इसके ऊपर कैट बैठी हुई है, तो इसके इमेज के अनुसार ये कौन से सेंटेंस जो है हमारे सही हैं ये बताना है। अ डॉग इज सिटिंग ऑन द चेयर, बी अ डॉग इज सिटिंग इन द चेयर, सी अ डॉग इज सिटिंग एट द चेयर एंड डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए, अ डॉग इज सिटिंग ऑन द चेयर। ऑन यहाँ पर लगता है ऑन उस ऑब्जेक्ट पर लगता है जब किसी के ऊपर कोई चीज बैठा हुआ है, जैसे चेयर के ऊपर कैट बैठी हुई है, तो यहाँ पर ऑन ऑप्शन प्रीपोजिशन ये सही होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि आगे आप किस सब्जेक्ट में और कौन से क्लास की सिल्वर ओलंपियाड से क्वेश्चन पेपर एंड सैम्पल पेपर देखना चाहते हैं। थैंक यू।